जम्मू कश्मीर से बेहद चौंकाने वाली एक खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि बीते 6 महीने से कठुआ और डोडा में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का एक नया दस्ता तैयार किया जा रहा है। क्या है पाकिस्तान के इस नए दस्ते की कहानी, आपको सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। खूंखार हैं, उनके पास हाईटेक वेपन है, वो भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखते हैं, उन्हें पाकिस्तान से सीधे आदेश आता है और निकल पड़ता है आतंकियों का पठानी दस्ता। जम्मू कश्मीर से आई ये खबर किसी को भी सन कर देने के लिए काफी है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जम्मू संभाग में दहशत फैलाने के मकसद से पाकिस्तान ने एक नई टेरर ब्रिगेड तैयार की है और इस टेरर ब्रिगेड का नाम है आतंक का पठानी दस्ता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले 40 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ के जरिए कठुआ और ढोडा तक पहुंचे थे। ये सभी आतंकी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पठान हैं। यानी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मोर्चे पर पठानों को खड़ा कर दिया है। ये आतंकी बकायदा बॉडी कैम काम इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए ये हर आतंकी हमले का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान के इस पठानी दस्ते के पास नाइट विजन कैमरे भी मौजूद हैं। आतंकियों का ये पठानी दस्ता स्नाइपर्स अटैक में माहिर है। इन आतंकियों के पास तालिबानी आतंकियों से लड़ने का भी अनुभव है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि खान सूट पहनकर आम इंसानों की तरह कई बार आम मस्जिदों में नमाज भी अदा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दहशतगर्दी की ये नई ब्रिगेड PAFM और कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन पठान आतंकियों को पहाड़, जंगल और नदियों तक में लंबे समय तक रहने का अनुभव है। ये आतंकी सैन्य प्रशिक्षण, टोही क्षमता, गुरिल्ला युद्ध रणनीति में भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा, रियासी 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं। ये आतंकी 10 से 12 के ग्रुप में बटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों की ये नई ब्रिगेड हमलों के वीडियो बनाती है और उन वीडियो को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पोस्ट करती है। ये आतंकी कभी कभी रॉबर्ट क्राफ्ट जैसे मशहूर लेखकों और कवियों को भी कोट करते हैं। खास बात ये भी है कि पाकिस्तान के पठान आतंकी सुरक्षा बल की नजरों से बचने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर इन्हें कहीं कोई संदेश भेजना होता है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ये आतंकी ना तो गांव जाते हैं और न ही स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं, ये जंगलों और गुफाओं में रहते हैं, जबकि अपने खाने पीने का सामान बकरवालों से खरीदते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी अपने मददगारों से जंगल में ही खाना रख जाने के लिए भी कहते हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि आम बातचीत में सिर्फ पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी पठानी आतंकियों की नई ब्रिगेड दहशतगर्दी फैलाने के लिए एक सदे हुए सिस्टम की तरह काम करती है। एक ऐसा सिस्टम जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन कहां तो ये भी जा रहा है कि गुनाह और गुनहगार ज्यादा दिन तक छिपे नहीं रह सकते और फिर इनका मुकाबला तो उन भारतीय जियाबाजों से है जो पल पल सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। तो जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमले पर खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का दावा है कि घाटी और जम्मू में दहशत फैलाने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में हालिया आतंकी हमलों में आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया। M4 कार्बाइन अमेरिका मेड है और नाटो के सैनिक इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। ये वही हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 2021 में अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। अब ये अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से इन हथियारों की डील की और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी संगठन तक पहुँचा दिया। अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत और आतंक का पुराना दौर वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के जरिए 2022 से ही कश्मीर तक पहुंचने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा M4 कार्बाइन राइफल है जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे आतंकियों के पास से बरामद हो रही है। पाकिस्तान आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला करने के लिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी हथियार से वो सेना के काफिले पर पहली फायरिंग करते हैं।
भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की पहली पसंद अमेरिकन M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल बन चुकी है, जो एक मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियों को दागने में सक्षम है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 500 से 600 मीटर है। इसलिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा M4 राइफलों को जम्मू कश्मीर भेजने का फरमान सुनाया है। भारतीय एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में आतंकी संगठनों की दो बड़ी बैठकें लाहौर और बहावलपुर में हुई। इस मीटिंग में लश्कर तैयबा ने M4 राइफल्स को जम्मू कश्मीर भेजने की साजिश तैयार की। सूत्रों के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से ज्यादा M4 राइफल जम्मू कश्मीर में पहुंचाई जा चुकी हैं। स्टील की गोलियां दागने की ताकत रखने वाली M4 राइफल से आतंकियों ने 2017 में जम्मू कश्मीर में पहला हमला किया था। अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान से लौटते वक्त करीब 3.5 लाख हथियार वहीं छोड़ दिए थे, जिसमें 3,16,000 से ज्यादा छोटे हथियार थे और 16,000 हैवी वेपन शामिल थे। इनमें M4 स्नाइपर और M4 कार्बाइन राइफल्स, M16A4 राइफल्स, M249 मशीन गन, AMD राइफल्स, M4A1 कार्बाइन, M16A2A4 असॉल्ट राइफल शामिल थे। तभी आशंका जताई गई थी कि आतंकी संगठन इन हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने 1.5 लाख से ज्यादा कारतूस और 42,000 नाइट विजन कैमरा भी छोड़ दिए थे। तालिबान ने इन हथियारों को बेचकर खूब कमाई की। M4 राइफल को $2,400 में बेचा गया और AK-47 की कीमत $130 रखी गई, जबकि नाइट विजन कैमरा $500 से $1,000 में बेचा गया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान से इन हथियारों को खरीदकर आतंकी संगठनों को दिया, ताकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आई शांति में फिर से खलल पैदा की जा सके। एक तरफ